अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का मुरब्बा। इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम आम ले लिया है। इसको मैंने धोकर छील कर अच्छे से मैंने इसको टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये 200 ग्राम मैंने आम ले लिया है। ये मैंने चीनी ले ली है 200 ग्राम के आसपास। ये मैंने वाइट और ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है। और मैंने एक गिलास पानी ले लिया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे हम और अच्छे अच्छे वीडियोस डाल सकें। ये मैंने पैन रख लिया है, इसमें हम सबसे पहले आम डाल देंगे। चीनी भी डाल देंगे इसी में। हम पानी भी डाल देंगे। इसे आप खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं। अब इसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। देखिए हमारे इसमें पानी में उबाल आ गया है, चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब इसको कवर करके हम स्लो हीट पे कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर इसको हम 10 मिनट पकाएंगे स्लो हीट पर। देखिए आम हमारा अच्छी तरह पक रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं हमारी आमी गली की नहीं। ये देखिए अच्छी तरह गल चुकी है। अब इसका हमें पानी और जलाना है। इसमें हम हल्का सा फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज कलर। बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसका हमें कलर चेंज करना। आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। हम अच्छी तरह मिला देंगे। अभी इसको हमें 4 से 5 मिनट और पकाना है कवर करके। हम ढक्कन लगा देंगे। देखिए 3 से 4 मिनट इसको और हमने पका लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि इसमें सारे स्वाद आने चाहिए। हल्का सा थोड़ी सी हमने काली मिर्च और व्हाइट मिर्च, मैंने दोनों को पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा हम ये डाल देंगे। अगर हम लाल मिर्च डालेंगे तो इसमें कलर आ जाएगा, वो कलर हमें नहीं चाहिए। दो चुटकी के करीब हमने ये डाल दिया है। थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। अब यार हमारा आम का मुरब्बा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद में टाइट हो जाएगा। बस हम गैस यहीं पे बंद कर देंगे अपनी, को ठंडा होने देंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इसका। देखिए हमारा मुरब्बा ठंडा हो गया है। इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको और सूखा कर सकते हैं, मुझे इतना ही रस वाला पसंद है। ये देखिए मुरब्बा हमारा बनकर रेडी हो गया है। आप इसको सिंपल पराठों से, पूरी से, जिससे मर्जी आए खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।
अगर ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आई, प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।